देव माणूस चे सर्व एपिसोड फ्री मध्ये पहा फक्त झी फाइव वर, आताच ऐप डाउनलोड करा। आज तक मैंने कितने जनों को मारा है मारे कोई नहीं पता, और मजे की बात यह है उनमें सबसे ज्यादा छोरी आई थी, बिल्कुल थारी तरह। थारे को एक बात याद है, जब हम लोग राजस्थान से यहां निकले थे तो तिरंगे की लाश ले जा रहे थे, याद आया? उस छोरी को मैंने ही मारा था। तू मजाक कर रहा है ना? थारे को पता है ना तुम्हारे को ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने गांव चल के थारा इलाज करा लेंगे। ना 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 ना, मजाक तो आज तक कर रहा था मैं, लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूं। ऐसे मत बोल नटवर, मैं तारे से बहुत प्यार करती हूँ नटवर। तारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। थारे को थारे बच्चे की कसम। के? मारा बच्चा? हाँ, मारे पेट में थारा बच्चा है। तू बाप बनने वाला है नटवर। काय तुम्हारा भाई कंस मला कळतच नाही, कशाला पाहिजे असत तुम्हाला मुला? के बोल रहे हो नटवर? मी या गाव मध्ये काही पैसे लपवले होते पण ते आता सापडत नाहीत, त्यात तुला सगळं कळलं। तू माझा सगळा प्लॅन बिघडवलायस, चल तुला चेक करतो। तुझे चेक करता हूँ। नहीं नटवर, चेक सलोनी मैं हूँ ना, तू यहाँ लेट 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 बैठ बैठ, यहाँ तो देख। तुला खूप लांबच्या प्रवासाला जायचं आहे आता, त्यासाठी तुला माझी मदत लागणार, अजिबात आलो नकोस। तुला जरा जरी त्रास झाला ना त्याच्यात दुप्पट त्रास मला होतो। म्हणूनच म्हणतोय शांत पडून राह, अजिबात आलो नकोस। तुला आणि बाळाला झालेला त्रास मी नाही सहन करू शकत। अग लांब श्वास घे, सांस ले, हिलमत। म्हणजे तुला पुढच्या प्रवासाला त्रास होणार नाही। देव माणूस चे सर्व एपिसोड्स फ्री मध्ये पहा फक्त झी फाइव वर, आताच ऐप डाउनलोड करा।